राजस्थान के 6 जिलों में लोगों को तेज गर्मी और हीट वेव से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में जयपुर, अजमेर, सीकर, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा में बारिश होने की संभावना जताई है। यही नहीं, शाम 4 बजे तक इन जिलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इससे पहले आज सुबह मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य में हीट वेव चलने का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज 3 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है, 14 जिलों में येलो अलर्ट है। गुरुवार को 10 जिलों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ, जो सामान्य से ज्यादा था। सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बाड़मेर में कल अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को दिन में घर से न निकलने की सलाह दी। वहीं पशु पक्षियों के लिए छांव पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा। तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर जाने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अभी राज्य में तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हो रहा है। आने वाले दिनों में सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है। राज्य में हीट वेव का नया स्पेल शुरू हो गया है। अगले सप्ताह दूसरा स्पेल शुरू होगा, जो इससे भी ज्यादा सीवियर होगा। इस दौरान तापमान 47 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जा सकता है। मई के आखिर तक गर्मी तेज रहने की संभावना है। राज्य में दिन ही नहीं बल्कि रात में भी गर्मी बढ़ने लगी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। फलोदी में तो न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर में बीती रात सीजन की सबसे गर्म रात रही, न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।